एमपी में बीजेपी ने अब तक 136 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 94 सीटें अभी होल्ड पर हैं। इनमें 9 मंत्रियों सहित 67 विधायक शामिल हैं, जो सूची 15 अक्टूबर तक आ सकती हैं, जिसमें बीजेपी उम्मीदवारों की अगली लिस्ट टिकट काटने और सीट बदलने वाली होगी। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में जानिए बीजेपी ने मंत्री और विधायकों के टिकट क्यों होल्ड किए। असली लड़ाई अब शुरू होती है, क्योंकि अभी 70 विधायक बाकी हैं। उन विधायकों के टिकट का फैसला करना बहुत भारी पड़ रहा है, और इनको ये डर है कि अगर इन्होंने टिकट काटे और पहले घोषणा कर दी तो वो पाला बदल सकते हैं। इस वजह से बीजेपी हाईकमान असमंजस में और फैसला नहीं कर पा रही है। अब आपको बताते हैं मंत्रियों को टिकट होल्ड होने के क्या कारण रहे। राम खेलावन पटेल अमरपाटन सीट से विधायक हैं। ब्राह्मण समाज की नाराजगी को देखते हुए उम्मीदवार बदलने पर मंथन जारी है। ओपीएस भदौरिया भिंड जिले की मेहगांव सीट से विधायक हैं। जातीय समीकरण में फंसे, सर्वे में भी स्थिति ठीक नहीं आई है। उषा ठाकुर इंदौर की महू सीट से विधायक हैं। पार्टी के भीतर ही उनका विरोध है, उन्हें इंदौर 3 सीट पर शिफ्ट किया जा सकता है। वरिष्ठ विधायक जिनकी उम्मीदवारी पर फंसा पेंच सुरेंद्र पटवा यहां से पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा के दत्तक पुत्र सुरेंद्र पटवा विधायक हैं। बीजेपी यहां से नए चेहरे को मौका दे सकती है। सीतासरण शर्मा इस सीट से डॉक्टर सीतासरण शर्मा 5 बार के विधायक हैं। इस विधानसभा चुनाव में शर्मा परिवार के विरोध में बीजेपी का एक बड़ा खेमा है। संभागवार कितनी सीटें होल्ड और क्यों? ग्वालियर संभाग में 3 मंत्रियों सहित 10 विधायकों की सीट पर पेंच फंसा है। चंबल संभाग में जातिगत समीकरण में 5 सीटें उलझी हुई हैं। शहडोल संभाग में बांधवगढ़ से सांसद हिमाद्री सिंह को उतारने की तैयारी है। इंदौर संभाग में 8 मौजूदा विधायकों के टिकट होल्ड पर हैं। भोपाल संभाग में विदिशा की 5 में से 4 सीटें होल्ड पर हैं। दैनिक भास्कर के लिए भोपाल से राजेश शर्मा की रिपोर्ट।